अभी तक स्पॉट नहीं किया है। अगर यहाँ पर मैड डॉग एक नॉक पिकअप कर देता है तो रिमेनिंग टीम पीछे से बैक स्टेप कर सकती है यहाँ पर। वाइपर थ्रो रोड कर एंड मैड डॉग को यहाँ पर मॉडल है, बहुत ही प्यारा नेट से नॉकआउट कर चुका, तो मैड डॉग यहाँ पर खत्म है, कोई चांसेस ही नहीं उसको बचने का। एग्जैक्टली मैड डॉग काफी ऑफ पोजिशन, और मैड डॉग को बचाने के लिए अगर टीम आती भी है तो उनको काफी रोटेट करना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। तो भाई नौवीं गेम का पहला प्लेयर जिसने यहाँ पर सबसे पहला एग्जिट लिया वो हम ओपी को, तो फिनेटिक के पास एक किलर, इधर एनटीडी का पुश, एनटीडी पे पुश आ चुका है सोल का स्क्वाड का, वाइपर यहाँ पर सामने जोनाथन मेरे से वाइपर को यहाँ पर नॉकआउट करते हो, जोनाथन रिलोड करेगा सामने हेरेगल्ट कवर फायर देने की कोशिश, एंड पर जोनाथन यहाँ पर पुश करते उसका रिलोड नहीं किया था, एंड यहाँ पर मुश्किल हो सकता है जोनाथन के क्योंकि रेगल्ट का फुल एचपी है, एंड रेगल्ट Jonathan को exit करते हैं, NTD squad also got eliminated by Soul, अभी Viper को Regaltos बचा लेगा, and that was a nice clutch by Regaltos, Regaltos back to back भाई छक्के लगा रहा है यहाँ पर, last game के अंदर भी उसने किस तरीके से perform किया था, it was crazy, but इस game के अंदर भी it was so close, वो eliminate होने वाले थे इस game से भी, but yes, coming back stronger, Scout को revive कर दिया, Scout ने अभी heal up कर लिया, and Fnatic will take the situation as together, चारों पेर जिंदा हो चुके हैं, अब एक साथ ये initiate करेंगे, मेरा मार्ग के अंदर मैंने देखा है, Fnatic back to back अच्छा खेलती आई है, Pale Plains के अंदर भी पहला चिकन डिनर इनका यहाँ पे जब सोल अगेंस्ट क्लच गॉड को मारा था इन्होंने, आईएनएस का डर है फिनेटिक को, दे हैव टू रिट्रेट, और वैम्पायर किलिंग रौनक इन हियर, अकेले बचे स्काउट, स्काउट का यहाँ पे कैरी ऑन कर पाएंगे बट नहीं, यहाँ पर ट्रिगर ये एक एक करके सबको यहाँ पे नॉकआउट करे, दिस प्लेयर इज शोइंग व्हाई इज द टेक्निकल मैकेनिकल गॉड इन इंडिया, किस तरीके से इस प्लेयर ने अपने आप को इंप्रूव किया है, इंप्रूव है, और ये देखे वैम्पायर को ऑलमोस्ट 20% एचपी मिला है, बट वैम्पायर शुड बी यूटिलाइजिंग द शॉट क्योंकि वो काफी ओपन है, स्काउट इज रनिंग फॉर ए स्लॉट, स्काउट को पता है अकेले उसको ही कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, बट मी मैं यहाँ पे स्काउट मिकाल से फिनेटिक के अकेले ओवेज यहाँ पे नॉकआउट हुए हुए, एंड मेहम के अगेंस्ट क्या फाइट होगी ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या स्काउट इतना बड़ा क्लच यहाँ पे निकाल पाएगा, स्काउट इसलिए डक करके अपने आपको बताने की कोशिश, टारगेट पिकिंग बहुत अच्छी है, स्काउट को एक बुलेट चाहिए बट अफसोस इट वॉज अ क्लोज गेम, बट मेहम जो चाहिए था वो निकाल लिया, और फाइनली दे गेटिंग द वेरी फर्स्ट चिकन डिनर, एंड बॉटम से अब एक अच्छी जंप लेंगे, बस कुछ गेम और ये टीम भी वापस रेस में वापस आएगी, लेकिन स्काउट के बारे में कुछ भी बोले इस मैप पे कुछ भी, मतलब इसलिए स्काउट को हम लोग बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, हुआ बहुत अच्छा गेम खेला, एंड मजे की बात क्या थी, बहुत लोग कॉम्पेंसेटर यूज करते हैं सप्रेसर यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता रिकॉइल, उस प्लेयर ने सप्रेसर से जो शॉट लैंड करा एक मैगजीन एक स्प्रे पे दो दो नॉकआउट करे, बट इट वॉज देवर लिल क्लोज, देवर सो क्लोज, बट एंड ऑफ द डे इट वॉज अ ग्रेट पबजी, उन्होंने अच्छा पबजी खेला, बस ऐसे ही खेलते रहने का है, Fnatic टॉप 5 में ज्यादा दूर नहीं रही, मजा आ गया लिटरली, गन चेंज एक और स्प्रे डाउन, गन चेंज एक और स्प्रे डाउन, उसके बाद रिलोड, उसके बाद में डाले तीन पॉइंट जो कि बहुत बहुमूल्य थे, बिल्कुल ऑफ कोर्स, और सॉरी आप जी, हाँ मैं उसी फाइट के थ्रू मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक्चुअली वहाँ पर सीन ये हुआ था, जब स्काउट की बात कर लेते हैं, चार किल जिनके थे 1256 का डैमेज, सो दैट मींस डैमेज का अगर आप अमाउंट देखो ये अभी तक का हाईएस्ट होगा किल्स और डैमेज के अमाउंट के हिसाब से, 0 हेडशॉट्स और 5 किलोमीटर का इन्होंने डिस्टेंस कवर किया, स्काउट MVP जो वर्ड होता है उसके ऊपर पूरे पूरे अच्छे तरीके से, बिकॉज डैमेज के जो तरीका बोले एंड में 1v4 के ऊपर जा रहे थे, उससे पहले 1v3 किया उन्होंने, एंड उसी 1v3 की अगर हम बात करें ये मतलब INS को खत्म करके जल्दी जाना चाहते बिकॉज वहाँ पर इनका एक प्लेयर ब्लीड आउट हो रहा था, एंड वो ब्लीड आउट को रिवाइव करने के लिए जा रहे थे, सो ये चाह रहे थे कि इनका एक मैन पावर अगर जिंदा हो जाता तो वो भी ज़्यादा बढ़िया रहता, इसलिए इनको MIM पे पुश करना पड़ा, अदरवाइज मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी फाइट हो सकती थी इनके लिए, फाइट काफ़ी अच्छी हो सकती थी, और ये प्लेयर के बारे में जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी, देखिए आपका स्किल होता है एक तरफ पर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज होती है दूसरी तरफ, और जब आपके टीममेट परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो ये मतलब नहीं उसका कि बीच मैच में स्टेडियम के बीच में आप ये आर्ग्यूमेंट करें, क्योंकि यू नो दैट ब्रेक्स द मोरल एज़ वेल, हमने देखा कि पारितोष के साथ जब बात हो रही थी रौनक और स्काउट की, तो यू नो वी कुड सी द एग्रेशन, एंड दो प्लेयर्स उठ के चले भी गए, तो मुझे लग रहा है कि इंटरनली थोड़े इश्यूज हो रहे, क्योंकि ये गेम के अंदर भी दिख रहा है हमें, दे हर बार होता है कि एक प्लेयर स्टेप अप करके कोशिश करता है कि चलिए नहीं मैं कैरी करूंगा अपनी टीम को, लेकिन दैट इज नॉट हाउ यू प्ले पबजी, दैट इज नॉट हाउ यू प्ले एनी अदर गेम, क्योंकि टीम एफर्ट होना चाहिए आपको, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और रही बात एक प्लेयर की तो चलिए अभी पहले बात करना चाहूंगा जोनाथन की, बिकॉज वाओ स्काउट Fnatic एज अ टीम रियली शाइन्ड दिस टाइम, यू गाइस टुगेदर मेड इट टू द फाइनल सर्कल, दिस कुड वेरी वेल बी अ टर्निंग पॉइंट, डोंट यू थिंक सो? Yeah, we did pretty good, but we are disappointed with our performance yet because we didn't get the dinner out there. That's the main goal out there. What do you think could have changed? Why did you think you missed out on that dinner by a little bit? There's a bit of miscommunication out there. We were handling 2 squads at the same time. So we got delayed while handling a 2nd squad. That cost us the dinner out there. But let's not forget to look at the bright side, which is you are the MVP. You got some shots which weren't even evidently there. Doesn't that feel good for the overall morale of the team and yours?
Yeah, it felt good, but at the end, we didn't win. So the MVP is not that a big thing, because MVP is like every game there's a different MVP. But all that matters is the points where you climb up. Okay, but we still got three more matches to go. You have a goal, you have an aim for the end of the day. What is that going to be for Fnatic as a team? By seeing the leaderboards out there, Entity is way more ahead out there. So we are not going to aim to beat Entity, but we are having an aim of reaching at least around 10 or 15 points near to Entity. So at the end of the day, we need that second spot. So we have a goal of that. Okay, let's aim for the second spot. This is me, Xerxes. We are right here in New Delhi, India, at the PUBG Mobile Club Open Fall Split 2019 South Asia Regional Finals. Title sponsor, Vivo. And we are going to take a short break. We'll be back with the rest of the matches.